आज बीजेपी ने कैसरगंज सीट पर अपने कैंडिडेट का ऐलान कर दिया। इस बार कैसरगंज सीट से ब्रजभूषण सिंह का टिकट काटकर उनके छोटे बेटे करण सिंह को टिकट दिया गया है। ब्रजभूषण के टिकट काटे जाने की खबरें पिछले कई दिनों से चल रही थी और इस बार उनके बेटे को मौका दिया गया है। टिकट मिलने के बाद करण भूषण सिंह समर्थकों के साथ मंदिर पहुंचे, यहां आशीर्वाद लिया। करण सिंह टिकट बंटवारे के बाद अयोध्या में हनुमानगढ़ी भी पहुंचे, मीडिया से बातचीत भी की। करण भूषण सिंह ने टिकट देने के लिए बीजेपी का आभार व्यक्त किया। कल कैसरगंज सीट से करण सिंह अपना नॉमिनेशन दाखिल करेंगे। तो आपको बता दें, बीजेपी ने ब्रजभूषण सिंह का टिकट काटकर उनके छोटे बेटे करण भूषण सिंह को टिकट दिया है। हालांकि पिछले लंबे समय से अटकलें चल रही थी पहलवान वाले मामले को लेकर, जिस तरह से ब्रजभूषण सिंह सवालों के घेरे में थे, ये साफ था कि उनका टिकट काटा जा सकता है। लेकिन ठाकुर वोटर्स की नाराजगी भाजपा को ना झेलनी पड़े, जिसके चलते उनके छोटे बेटे को बीच का रास्ता निकालते हुए टिकट दिया गया है। टिकट कटने और बेटे को टिकट मिलने के बाद ब्रजभूषण शरद सिंह ने कहा कि इस बार भी कैसरगंज से बीजेपी की जीत होगी, वोटर्स हमारे साथ हैं। देखिए, पार्टी नेतृत्व को इस बात के लिए धन्यवाद है कि उन्होंने हमारे बेटे करण भूषण सिंह को के ऊपर भरोसा जताया। रहा सवाल ये कि ये चुनाव है, इधर चार पाँच दिन से क्षेत्र से हम आउट हैं और इसलिए इसमें ये नहीं कहा जा सकता है कि कितने वोटों से जीतेगी। दो तीन दिन बाद आपके सवाल का जवाब दे देंगे। संसद जी, टिकट फाइनल नहीं हुआ था, लगातार समर्थकों का ये कहना था कि इस बार 5 लाख वोट से आप जीत रहे हैं। समर्थकों का कहना, हमारा कहना नहीं है। तो नामांकन कब कर रहे हैं? नामांकन करण भूषण सिंह को करना है, कल 9 बजे यहाँ से चलने की योजना है और 11 कुछ की साइट है, रकुल में इकट्ठा होंगे। आप लोग आइए, स्वागत है। क्या आप भी साथ रहेंगे? अगर आप अनुमति दें तो रहें। संसद जी, जिस तरीके से टिकट को लेकर सस्पेंस बना हुआ था, आखिरकार बीजेपी ने आज आपके बेटे को उम्मीदवार बना दिया है, तो क्या मानते हैं इस बार कितनी वोट से जीत होगी? देखिए, पार्टी नेतृत्व को इस बात के लिए धन्यवाद है।